कि मैं यूज करता था फास्ट बॉलिंग में, और थंब जो होता है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जी, ये ऑलमोस्ट हैंडल होता है, ठीक है, ये दो फिंगर्स एवरी बॉडी की सेम ही आती है, थंब जो होता है ना वो साइड वाइज होना चाहिए लाइक दैट, अगर आप दिखा सकते हो वहाँ पे। ये कौन सी इन स्विंग है, ये आउट स्विंग? ये अभी अभी वो बाद में बताते हैं, पहले मैं एक ग्रिप बता रहा हूँ, ये ग्रिप होनी चाहिए, ठीक हो गया। ठीक है, जब आप आउट स्विंग करते हो तो ये रिस्ट जो है ना आपकी लॉक होनी चाहिए, और थोड़ा सा मैं वाइड ऑफ भी आता था, वाइड ऑफ हेड से थोड़ा सा बाइट से, फिर वो अच्छा आउट स्विंग होता है। और जब मैं इन स्विंग करने जा रहा था तो मैं लेके आता था यहाँ पे पूरा क्लोज टू द हेड, यहाँ से मैं ऐसे करता था, उसमें सीन बबल होता जाता है, और समटाइम ये वाली फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप इन स्विंग करते हो। आउट स्विंग के लिए तो दोनों यूज होगी और आपकी रिस्ट लॉक होगी, और कोई भी बंदा या कोई भी बच्चा नया बॉल करता है तो वो स्विंग होता ही होता है, नया बॉल है स्विंग होना ही होना, और डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कंट्रोल है और किस जगह से आप कितना स्विंग हो रहा है और किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, और हार्ड वर्क पे यू कि आप मेहनत करोगे तो आपको ये चीजें आएगी, ये तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ऐसे नहीं आपको आ सकता। थोड़ा सा अगर आप एक दफा फिर रिपीट करें अपना इन स्विंग का, आउट स्विंग के लिए ये एक ग्रिप है पूरी लॉक होती है, ठीक है, थोड़ी सी वाइड ऑफ यहाँ से आ गया, इन स्विंग ये आता था, ये कौन सी फिंगर आप कह रहे हैं इस्तेमाल? ये वाली ये हमारी शादत की उंगली ये वाली, और आउट स्विंग के लिए आप दोनों ने अच्छा इसको लॉक करके थोड़ा सा वाइड ऑफ भी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, बॉल ने तो स्विंग होना ही होना है, ये आपको पता होना चाहिए कितना स्विंग हो रहा है, कहाँ पे आपकी स्विंग खत्म हो रही है, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि आपकी स्विंग कहाँ पे खत्म होती है, ये नहीं है कि आपने मिडल से स्विंग किया और लेफ्टी को बाहर चलेगी टांग के बाहर, उसको अगर स्विंग करना है तो ऑफ स्टंप से मिडल पे स्विंग आपकी फिनिश होनी चाहिए, ऑफ स्टंप से बाहर से अगर उसको अंदर लेके आते हैं लेफ्टी को तो ऑफ स्टंप के बाहर से लेके आएंगे ताकि मिडल पे जाके आपकी स्विंग खत्म हो, अगर उसके पैडों में भी लगे तो वो भी स्टंप के सामने लगेगी, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि हार्ड वर्क करने से आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर मिस्टर।